है कि हवा कहाँ से घुस रही है यार। पहले इतनी ठंड है, कभी इधर से लग रहा है कभी उधर से लग रहा है, ये थोड़ी थोड़ी हवा आ कहाँ से रही है? ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे किसी ने फ्रिज के सामने सुला दिया हो। इतना बड़ा ब्लैंकेट तो ओढ़ा हुआ है, अब और कितना बड़ा ब्लैंकेट ओढ़ू यार, समझ ही नहीं आता है थोड़ी थोड़ी हवा कहाँ से आती है। ऊपर से ठंड भी कम होने में नाम नहीं ले रही है। कल से ना हाथ के भी मोजे पहन के सोऊंगी, पाँव के भी मोजे पहन के सोऊंगी, स्वेटर पहन के सोऊंगी और कान में भी टोपी पहन के सोऊंगी। इतनी हवा कहाँ से आ रही है यार? इसे थोड़ी थोड़ी सी ठंडक, थोड़ी थोड़ी सी ठंडक कितना इरिटेट कर रही है। ऐसा लग रहा है आज तो बर्फ के ओले पड़ेंगे ओले। कहीं से भी ठंड रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भगवान कोई चाय बना के पिला दो यार, गर्मा गर्म चाय पी के थोड़ी तो रिलीफ मिलेगी मुझे। उड़ी बाबा वैसे कुछ भी कहो, ठंड में बैठे रहने का अलग ही मजा है। बस कंबल ओढ़ो और बैठे रहो, कुछ काम ना करो और इस कंबल से बाहर ना निकलो। बस क्या करूँ, नहाऊँ नहीं नहाऊँ, पर यार बाल भी तो धोने, पिछले 8 दिन से मैंने बाल नहीं धोए हैं। अब तो सर की जुएं और डेंड्रफ भी बोलने लगे कि हमें धो दो धो दो, लेकिन यार नहाने टाइम कितनी ठंड लगती है। क्या करूँ, रहने दूँ आज, कल नहा लूँगी। नहीं नहीं यार, कल भी तो ऐसे ही रहेगा और क्या पता कल सुबह उठी और ज्यादा ठंड हुई तो। चलो नहा ही लेती हूँ। हे भगवान शक्ति दे मुझे, शक्ति दे मुझे, एक जंग लड़नी है और इसमें जीतना है। हे प्रभु कृपा कर अपनी। जैसे तैसे नहा तो ली हूँ, लेकिन अभी लंबे बाल सूखेंगे कब यार। बहुत शौक था ना तुझे लंबे बाल रखना है, लंबे बाल रखना है, ले रख ले अब लंबे बाल। सबसे बड़ा नुकसान लंबे बालों का ठंड में ही है। एक तो पूरा सूखेंगे भी नहीं, ऊपर से पूरा दिन ठंडक ठंडक फील करवाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे फ्रिज में मुंह रखा हुआ हो। मैंने धूप में बैठी रहती हूँ, जब तक नहीं सूखेंगे तब तक आज तो मैं उठने ही नहीं वाली धूप में से, ताकि ना ठंड लगेगी और बाल भी जल्दी जल्दी सूखेंगे। हे भगवान प्रभु। आज पता नहीं कौन से मुहूर्त में घर से निकली थी और कौन से मुहूर्त में टॉप पहनने का सोचा। बहुत शौक है ना तुझे स्टाइल मारने का, ब्यूटीफुल लगने का, आधे आधे कंधों वाले कपड़े पहनने का। ले पहन ले अब जब तू ठंड में मरी जाएगी ना तब तुझे पता चलेगा। आज तो मुझे लगता नहीं है कि तू सीधी सीधी घर पहुंचने वाली है, तेरी तो आज पूरी तरीके से बैंड बजने वाली है, क्योंकि तेरे चारों तरफ से तेरे अंदर हवा घुस रही है और देख लेना घर जाते ही तू बीमार है पक्का से। क्या पहन के आ गई मैं, मेरी गलती हुई, कहाँ फैशन के चक्कर में अपनी बैंड बजाई मैंने, इससे अच्छा तो स्वेटर पहन के आती। अच्छी तू क्यों चीख रही है, तुझे तो ठंड लगती ही नहीं है, तुझे तो फैशन करने का शौक है। फैशन पहले बाकी सब बाद में, तो बस छी। ठंड में सर्दी तो ऐसे चिपकती है ना जैसे नई नवेली बीवी अपने पति को चिपकती हो। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाती हूँ और पी के 2 घंटा मस्ताती हूँ, आराम से सोती हूँ, तब जाके कुछ रिलीफ मिलेगा। ना मुझे नहीं लगता कि आज ये सर्दी ठीक होने वाली है, पूरे 4 दिन खाएगी मेरे ये। मम्मा इस सिचुएशन में गाना याद आ रहा है वैसे यार, हाय मार डाला तूने, सर्दी मार डाला।